तो ये मैं हूँ, ये मेरा इंडियन खाना है और हमारी पार्टी हो रही है। सिटी में पहुंच के मैं बहुत थका हुआ था, बहुत लेट भी हो गया था, आई जस्ट लेफ्ट। काफ़ी अच्छा हॉस्टल है जिसमें मैं रह रहा हूँ, वेरी क्लीन, वेरी गुड, यू नो, सॉर्ट ऑफ पीपल अराउंड, बहुत मज़ा आया उनसे बातचीत करके। एंड आज मैं निकला हूँ थोड़ा सा सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, बड़ी नहीं है सिटी बिल्कुल भी। एंड इस मोस्टली अगर मेरे पीछे देख पा रहे हैं दिस सी एंड उसके अलॉन्ग मतलब थोड़ा सा पेबल्ड बीच है ये वाला। दिस इज़ नॉट रियली अ गुड बीच टू बेसिकली स्विम और यू नो स्पेंड टाइम ऑन। यहाँ पर बस ये छोटे छोटे खोखे हैं, यू नो, वॉक करते जाइए एंड कुछ खा लीजिए या कुछ खरीद लीजिए। बट यहाँ 7 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है जो डिवेलप कर रखी है बीचेस, सो डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यू नो बीचेज हैं। कोई पेपल्ड है, कोई सैंड बीचेज है, सैंड में भी कोई मैग्नेटिक सैंड है, लाइक ब्लैक सैंड है जिसमें आयरन ऑक्साइड्स है, तो वो यहाँ पे वैसे काफ़ी पॉपुलर है। मेडिसिनल बीचेस उनको माना जाता है कि अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं या कुछ भी है तो उनसे आपको रिलीफ मिलता है, तो उसके लिए काफ़ी लोग आते हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट काफ़ी लंबा है, मतलब 15 किलोमीटर दूर भी एक सेक्शन है बीच का जो डिवेलप कर रखा है, तो इस तरीके से है। बट काफ़ी सारे यू नो ज़्यादातर सिटी बहुत पुरानी है और बहुत डिलैपिडेटेड, यानी कि टूटी फूटी है, पुराने सोवियत स्टाइल के अपार्टमेंट ब्लॉक बने हुए हैं, बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज। बट जो मेन रोड है उनके अलॉन्ग इन्होंने बहुत अच्छा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, बिकॉज मैंने बताया था कि बहुत इन्वेस्टमेंट इस सिटी में आती है, आ रही है, जो उनका पर्पस है यू नो इन्वेस्टर्स अब्रॉड उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। एंड अपनी ज़्यादा पॉपुलेशन तो है नहीं, तो ज़्यादातर होटल्स वगैरह ही बन रहे, कोई अपार्टमेंट्स भी हैं काफ़ी, बट देर ओनली लाइक अपार्टमेंट होटल शॉर्ट्स। तो ये मेन रोड है, मेन यू नो परपेंडिकुलर रोड रन करिए यहाँ पर, और ये यहाँ पर यहीं पे सारी बसेस चलती हैं, यहीं मतलब कार्स वार्स रन करती हैं। बाकी गलियाँ हैं बहुत पतली पतली कॉबल्ड, मैंने शायद दिखाया भी और दिखा दूंगा दोबारा मैं, तो वहाँ मैं डेफिनेटली आपको सोवियत स्टाइल जो मतलब पुराने ब्लॉक ऑफ हाउसिंग होते थे वो ज़रूर दिखाना चाहूँगा। वो देखिए आपको आइडिया होगा कि कितना ज़्यादा यू नो लाइक बुरी हालत में ये है और कितना पुराना है और कैसे पहले लोग यहाँ पे रहा करते थे इन जनरल, मतलब सोवियत एरा में अक्रॉस द सोवियत यूनियन जो इतना बड़ा था। देखो ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है, बट ये फिर भी अभी बाहर से काफ़ी रेनोवेट कर दिया था, वो नीचे एकदम नॉर्मल प्लास्टर्ड यू नो मॉडर्न वॉल्स है, बालकनी भी ग्रीन ग्रीन ये रिपेयर कर दिया, बट ऊपर अगर देखोगे तो सारा वो शेंटी जैसे यू नो लाइक टिन का वो बना हुआ है वॉल्स बाहर से, और बिल्कुल ऊपर देखोगे तो बिल्कुल इंडिया में जैसे वो रहता था ना, क्या जो बॉम्बे में चौल एंड ऑल दैट है, वैसा वैसा है। क्योंकि सोवियत टाइम की बिल्डिंग है तो इसमें मतलब उस समय प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती थी, तो ये पूरी बिल्डिंग ही गवर्नमेंट की होती थी और गवर्नमेंट लोगों को हाउसिंग मतलब छोटे छोटे यूनिट उस बिल्डिंग के अंदर दे देते हैं। छोटे से आई रियली मीन छोटे, मतलब वो यहाँ पर टिपिकल सोवियत पूरे जो कंट्रीज हैं उनमें अपार्टमेंट साइज में भी 500 स्क्वायर फिट, एंड जिसके अंदर हो सकता है 2-3 जनरेशन भी रह रही होंगी, एक ही बेडरूम होगा, राइट। मतलब जैसे बॉम्बे में भी आई गेस बहुत सारे जगह पे बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव है ऐसे ही होता है, बट मतलब वैसे ही था, तो यहाँ फ्री मिल जाता था, बस बात हो वो भी खरीदना पड़ता है, बहुत महंगा खरीदना पड़ता है। एंड बट जो बाहर का एक्सटीरियर है वो अभी भी गवर्नमेंट ही ओन करती है और गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है उसको मेंटेन करने के लिए, तो जो ऑफन वो नहीं करती है, नहीं होता, इनफैक्ट लोग मेंटेनेंस भी पे करते हैं ताकि वो बिल्डिंग जो है वो बाहर से रिपेयर या जो भी मेंटेनेंस सीवेज वगैरह की है वो हो पाए, तो गवर्नमेंट को वो पे करना पड़ता है, बट बहुत ही नॉमिनल होता है, लाइक 0 के बराबर मान लीजिए, तो ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए वो फिर कुछ मेंटेन होता ही नहीं है। तो ये इलेक्शन टू इलेक्शन बस एजेंडा बनता रहता है, इसको रिनोवेट करेंगे हम, उसको करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो मैं आपको बहुत पुराने वाले मैं सिटी एक्सप्लोर करा था कल शाम को, थोड़ी सी मैंने देखे, इतने पुराने मैंने भी कहीं पे और नहीं देखे, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। तो पीछे आप देख पा रहे हैं ये, तो ये जो है दैट्स द काइंड ऑफ हाउसेज आई एम टॉकिंग अबाउट। दोनों साइड पे रिलेटिवली न्यूअर ब्लॉक्स हैं, बट
बीच में घर बचा हुआ है जो बहुत ही जर्जरा अवस्था में, और लोग रह रहे हैं फिर भी उसके अंदर। तो फिलहाल मैं पहले कार्ड ढूंढ लेता हूँ। मीनवाइल हर जगह कैफेज हैं, बहुत ब्यूटीफुल से कैफेज हैं, बिकॉज ज़्यादा टूरिस्ट ही हैं सब। तो कुछ कैफेज भी दिखाता हूँ एंड मेन बात है कार्ड लेता हूँ पहले अपना। कोनियो आई गो देयर, थैंक यू। कि दूसरी साइड से बस ले लो, मैं दूसरी साइड आया तो वहाँ पे उन्होंने बोला नहीं नहीं वहीं पीछे वाली, तो मतलब पहले वाली जगह से ही बस मिलेगी। पर बस पे आप केवल कार्ड से ही पे कर सकते हैं, जो वो है नहीं मेरे पास, 50 सेंट्स ही है जो कॉस्ट है बस की, वो मैंने कंफर्म किया, बट वो कार्ड से ही पे कर सकते हैं। मेरे पास चेंज है, कॉइन्स हैं, बट दे आर नॉट एक्सेप्टेड ऑन द बस। तो अब मेरे को कार्ड लेने जाना है, कार्ड बैंक के अंदर मिलता है, आई एम लाइक सरप्राइज। तो वो मैं, उन्होंने मुझे बैंक बताया है, पता नहीं अभी खुला होगा या नहीं खुला होगा, तो लेट मी जस्ट ट्राई। एंड यहाँ पे ट्रैफिक इतना इंसेन है, हालांकि दे आर वेरी केयरफुल ऑफ द पेडेस्ट्रियंस, बट एंड कोई सिग्नल विग्नल नहीं है, ऐसे ही कभी भी जिसको मन करे वो क्रॉस कर सकता है। गाड़ियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप देखें और रुकें। तो ये वो बैंक है सामने, एक्सप्रेस करके तबलीसी, रेड वाला होर्डिंग दिख रहा है मेरे पीछे, एपोथिका, यानी कि ये जो ब्लू वाला फार्मेसी का बोर्ड है उसके साथ, वो बैंक है सपोजिटली जहाँ पर कार्ड बस का मिलना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने मुझे एड्रेस लिख के दे दिया कि कहाँ से कार्ड मिलेगा। अब मुझे डेफिनेटली खुद से ही ढूंढना, तो आई प्रोबली पुट दैट ऑन GPS एंड मैं जाके कार्ड लेता हूँ फाइनली, अगर मिल जाएगा तो। ये ना हो कि टाइम अप एंड आज फिर का प्रोग्राम कैंसिल, या मे बी टैक्सी लेनी पड़ेगी। टैक्सी एक्चुअली इज़ नॉट दैट चीप, यहाँ पे अगेन तबलीसी से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तबलीसी में ऑलमोस्ट 50 सेंट्स अगेन लगते हैं किलोमीटर के, यहाँ पर इस मोर लाइक बिकॉज मीटर वीटर नहीं है, आप बस बार्गेन करके प्रीटी मच बैठ जाते हो, या अगर मीटर है भी तो वो आई थिंक एक्सपेंसिव ही होगा बिकॉज सब कुछ एक्सपेंसिव है यहाँ पर ज़्यादा तबलीसी से। तो मे बी यू नो यहाँ पर उस बीच तक जाने के लिए 15 लारी किसी ने मुझे बताया कि शायद लगेंगे, 10 से 15 लारी। तो देखते हैं, मिल गया कार्ड तो ठीक है, नहीं तो फिर वैसे ही जाऊँगा। अभी अंदर मास्क लगाना कंपलसरी है, तो उन्होंने मास्क लगा लिया, बट अभी बात हुई वो बोल रहे कि हाँ कार्ड नहीं मिलता, तो उनको बताओ फिर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा कार्ड, तो अभी वो इंग्लिश समझ नहीं पा रहे, तो वो पूछ के ट्रांसलेट करके फिर मुझे बताएंगे। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द इंस्ट्रक्शंस टू कम। कार्ड के लिए ढूंढ रहा था तो मुझे कार्ड तो मिला नहीं कहीं पे भी। उन्होंने जो एड्रेस दिया था वो मैंने ढूंढा, काफ़ी देर वॉक किया, मुझे वो एड्रेस नहीं मिला और मुझे समझ में भी नहीं आया। तो फाइनली मुझे यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट दिखाई दिया, ये वो रेस्टोरेंट है, ईट हियर ये रेस्टोरेंट है रॉयल ताज के नाम से, और ये रन कर रहे हैं नीलांश, जो कि दिल्ली से ही हैं, और नीलांश गर्ग मतलब ये भी बनी है, मैं भी बनी। तो आई जस्ट यू नो आस्क, मैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस वॉक इन किया था जस्ट टू सी कि मतलब व्हाट इज़ ऑन ऑफर इन द मेन्यू एंड क्या प्राइसेस में क्या है। तो मुझे प्राइसेस भी बहुत अच्छे लगे एंड होपफुली जॉर्जिया में मेरा पहला ये इंडियन मील होगा, होपफुली अच्छा ही होगा। तो आई आस्क, आई मेट नीलांश, मैंने नीलांश से कार्ड के बारे में पूछा एंड ही वॉज सुपर हेल्पफुल। ही वेंट ऑल द वे टू दैट प्लेस विद मी जहाँ पर कार्ड मिलता है सपोजिटली। केवल आजकल जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ही केवल कार्ड इशू कर रहे हैं, और वो भी पासपोर्ट का आपको कॉपी चाहिएगी टू बी एबल टू। एंड वो है कितने का बाय द वे कार्ड, मतलब मिलता कितने का? इट्स फॉर 2 लारीज एंड यू गेट द टॉप अप फॉर 2 लारीज एंड हर राइड इज 15 अच्छा, तो मतलब जो 50 का सीट इज 53 बट हियर इट्स 15। तो यहां 15 सेंट में मतलब जो थ्रास्ती बोलते हैं, राइट, क्या बोलते हैं एग्जैक्टली? 33 15 33 यानी कि 15 सेंट लारी सेंट के आपको एक राइड मिल जाती है, और उस पे टॉप अप करा सकते हैं आप। टॉप अप तो कहीं से भी हो जाता होगा ना, कोई भी BOG टर्मिनल्स होते हैं, बैंक का जो है BOG टर्मिनल, अच्छा, उससे टॉप अप हो जाता है। बैंक ऑफ जॉर्जिया का टर्मिनल, ओके, तो बैंक ऑफ जॉर्जिया में आप कहीं पे भी उसे टॉप अप करा सकते हैं। मशीन्स भी लगी हुई है, राइट, मतलब यू डोंट हैव टू इवन टॉक टू, या राइट।
बट मशीन से कार्ड इशू नहीं होता, वो हमने ट्राई किया. तो अनफॉर्चुनेटली जब हम पहुंचे वहां पर वी वर ऑलरेडी यू नो आउटसाइड ऑफ द विंडो की जहां पे वो खुला होता, तो हम वो कार्ड आज तो नहीं ले पाए हैं. तो प्रोबेबली कल एक बार ट्राई करें. मैं डेफिनेटली नीलांश पे डिपेंड करना उसके लिए. तो अब मैं हम लोग वापस आ गए हैं एंड आई डेफिनेटली वॉन्ट टू यू नो ट्राई समथिंग एंड मैंने ऑर्डर किया, अभी मैं दिखाता भी हूँ वो. मीनवाइल दिस विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद नीलांश. नीलांश यहाँ पे मुझे तबलीसी में भी एक इंडियन मेडिकल स्टूडेंट ही मिले थे. मेरे साथ है संचित. ही इज एन इंडियन स्टूडेंट फ्रॉम लखनऊ एंड ही स्टडीज मेडिसिन हियर, फोर्थ ईयर, राइट? फोर्थ ईयर. यू नो एंड वी वर एक्चुअली ऑन द सेम टूर. वो तीन चार साल से यहाँ पे रह रहे थे बट उन्होंने तबलीसी देखा तो हुआ था बट मतलब ऐसे फॉर्मल कोई टूर नहीं लिया था. तो ही केम इन एंड यू नो वी रिलीज ट्राई गुड रेपो. तो अभी मैं वापस तबलीसी जाऊँगा तो आई डेफिनेटली मीट हिम एज वेल प्रोबेबली. तो नीलांश इज स्टडिंग मेडिसिन एट द नेशनल यूनिवर्सिटी, लाइक द पब्लिक यूनिवर्सिटी हेयर, पब्लिक यूनिवर्सिटी हेयर इन बातुमी. एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज जब उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे इनकी यूनिवर्सिटी में अलोन, एंड बातुमी बहुत छोटा शहर है, मैं बता चुका हूँ 1.5 लाख की टोटल पॉपुलेशन है, वहाँ पे एक कॉलेज में केवल 600 इंडियन स्टूडेंट्स हैं. एंड दैट्स लाइक इंडियन अलोन. आई एम श्योर पाकिस्तानी वाकिस्तानी भी होंगे, बांग्लादेशी पाकिस्तानी, टोटल लाइक इंडियन बांग्लादेशी टोटल सब मिला के मतलब 600. एंड हर ईयर में इनके ईयर में 150 है. एंड इट्स लाइक आपका 4 साल का प्रोग्राम है, सिक्स ईयर्स का मेडिसिन, सिक्स ईयर्स ऑफ कोर्स, राइट? तो मतलब इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स केवल एक यूनिवर्सिटी में. यहाँ पे भी और भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज होंगी, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट. एक्चुअली वी हैव टू यूनिवर्सिटीज. हाँ, इफ यू कैन बी अ लिटिल लाउडर, आई थिंक वो कैप्चर नहीं हो पाएगी शायद वॉइस उतने अच्छे से. इन बातुमी वी हैव लाइक टू यूनिवर्सिटीज, मेडिकल यूनिवर्सिटीज. फर्स्ट इज आई यूनिवर्सिटी, शोता रस्तवेली, एंड देन वी हैव बाऊ यूनिवर्सिटी. अच्छा. जो जैसे मैंने उनसे बात करी थी, जो मैं बता रहा था अभी तबलीसी में, ही टोल्ड मी कि जो फीस है कुछ $1500 बोल रहे थे, कितनी मतलब ऐसे कुछ साल की बोल रहे थे वो, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली. तो यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज तो फ्री होंगी ना, मतलब या फॉरनर स्टूडेंट्स को पब्लिक यूनिवर्सिटी में पे करना पड़ता है? पे करना ही पड़ता है. अच्छा, तो कितना होता है? फॉर आवर यूनिवर्सिटी इट इज अराउंड $3300 पर ईयर. 33, हाँ. तो मतलब ऐसे फिर मुझे गलत याद होगा, मे बी उसका ज्यादा ही होगा बिकॉज पब्लिक है आपका, तो तब मुझे गलत ध्यान होगा. एनीवेज तो देख लेना आप वीडियो में. बट यू नो हिज एक्सपीरियंस वाज गुड सो फार बीइंग हियर. आई एंड ही कैन स्पीक जॉर्जियन, मतलब इनफैक्ट मेरे लिए इन्होंने फोन पे ही सारी जो भी जॉर्जियन में इंक्वायरी करी. तो ही कैन इन 3 years ही लर्न जॉर्जियन, विच इज वेरी अप्रिशिएबल. So what motivated you to kind of come here to study medicine in the first place? The first of all, it was like if we study here and with this degree, the Europe is open for us. अच्छा. हमारे लिए पूरा यूरोप ओपन है, हम लोग यूके. क्योंकि ये EU का मेंबर है, right? Yes. हाँ, ठीक है. It is a member of EU. और हम लोग फिर यूरोप में जाके कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. अच्छा. इस डिग्री से. एंड US also is very easy for us. अच्छा. इंडिया से US का काफी डिफिकल्ट पड़ जाता है. करेक्ट. ओके. सही था. एंड आई गेस यहाँ पे जैसे अ लॉट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स गो टू प्लेसेस लाइक कजाकिस्तान, यूक्रेन वगैरह भी, तो वहाँ से आई गेस सस्ता भी है यहाँ पर. सस्ता नहीं है लेकिन क्वालिटी सही है. अच्छा, मतलब फॉर अ लिटिल बिट मोर प्राइस यू आर गेटिंग अ बेटर क्वालिटी. तो आपके सारे लेक्चर्स वगैरह सब जॉर्जियन में ही होते हैं? नो, इंग्लिश. वी हैव टोटल इंग्लिश. ये भी अच्छा. मैंने काफी जगह सुना है कि जो यू नो जो फॉर्मर USSR कंट्रीज जो रशियन स्पीकिंग है, हालांकि ये भी रशियन स्पीकिंग ही है डायरेक्टली, बट लाइक इट्स मोर जॉर्जियन हेयर. बट एनीवेज ये यूरोप साइड पे आता है, यूरोपियन अपने आप को मानता भी है एंड EU का पार्ट भी है. तो एज ही सेड अपॉर्चुनिटीज आर बेटर एंड फीस थोड़ी सी ज्यादा है, बट थोड़ी ही ज्यादा है. फॉर दैट क्वालिटी इज बेटर एंड मोर इम्पोर्टेंटली इंग्लिश में है, बिकॉज वहाँ पे इंग्लिश होता नहीं. वो प्रॉमिस भी कर देते हैं तो बाद में मैंने सुना रशियन में ही सब कुछ होता है. तो लैंग्वेज लर्न करना एडवांटेजेस भी आई थिंक जैसे ये है, आई मीन ऑलरेडी स्टूडेंट है ये अपना बिजनेस रन करे, विच इज वेरी अप्रिशिएबल. यू नो इट टेक्स करेज टू डू दिस. तो मतलब वो भी आप तभी कर पाते हो कि जब आप लोकल लैंग्वेज जान पाते हो, अदरवाइज तो आप कैसे इंटरेक्ट करोगे गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी, जो भी अप्रूवल्स होंगे, प्लस मतलब जो भी क्लाइंटेल आपकी आ रही है एंड अपना जो भी स्टाफ है. तो या तो आई मीन हाउ डिड द आइडिया फॉर द रेस्टोरेंट केम अप, मतलब स्पेसिफिकली ऑफ ऑल द थिंग्स?
लास्ट ईयर एक्चुअली कोविड जब हिट हुआ तो हमारा पूरा ऑनलाइन हो गया था. ऑनलाइन में एक तो लॉकडाउन हो गया तो सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह सब बंद हो गए. घर पे खाना बनाना पड़ा. अच्छा. एंड वी आर ऑफ फुल कुक्स. वी हैव चेक दैट वी आर ऑफ फुल कुक्स. एंड देन आफ्टर लॉकडाउन इट वॉज जस्ट लाइक कि खाना इतना अच्छा भी नहीं आ रहा था जो रेस्टोरेंट्स चल रहे थे. सो मी एंड माई फ्रेंड जस्ट केम अप विद एन आइडिया जस्ट व्हाई नॉट टू सेट अप आवर ओन रेस्टोरेंट. अच्छा. और उससे फिर हम लोग जब अपना खुद का होगा तो ऑब्वियसली अच्छा हम देंगे भी और अच्छा हम खाएंगे भी. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. हमारी सीधी ये पॉलिसी रहती है जब हम टिफिन भी देते हैं तो सीधा हमारा ये रहता है कि जैसा दूसरों को जा रहा है वो ही हमारे पास आ रहा है. सही में एक संसान ये मतलब टिफिन डिलीवरी ये बहुत सही चीज मुझे लगी कि मतलब रेस्टोरेंट तो ही है उससे तो जो इनका यहाँ पर तो काफी अच्छा है बिकॉज टूरिज्म बहुत ज्यादा है. राइट. यहाँ पे चलती भी वही चीजें वही बिजनेसेस जो टूरिज्म को कैटर करते हैं. राइट. तो प्लस आई मीन ऑफ सीजन भी होता है टूरिज्म में देन ही कैन ऑलवेज सप्लीमेंट दैट विद बेसिकली जो भी इंडियन स्टूडेंट्स को टिफिन केटरिंग है वो तो मतलब मोर स्टेबल बिजनेस ही है. आई मीन आप बता रहे थे कि मतलब अनदर पॉपुलर बिजनेस हियर कैन बी मे बी रेंटिंग कार्स. यस बिकॉज द टूरिस्ट दैट केम हियर वो लोग घूमना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं. ऑफ कोर्स. यार यहां पे ड्राइविंग ही करनी पड़ती है बिकॉज बस का उतना ज्यादा है दूर दूर है चीजें. राइट. या प्लस आई थिंक बिकॉज चीपर भी है लोगों के लिए तो लाइक ठीक है कार सही है. इट्स अ नाइस ऑप्शन. या तो मैंने बताया था वो जो टर्किश बंदा जिसके साथ मैं आ रहा था वो भी मतलब रेंटिंग का काम कर रहा था एंड ही टोल्ड मी कि 30 दिन में से महीने के उसकी कार जो कि $100 पे वो रेंट आउट करता है 20 दिन उसकी रेंट आउट हो जाती थी कार इतनी बड़ी वाली कार. तो ये कार जो 8-seater मर्सिडीज वैन है इन्होंने जर्मनी से इम्पोर्ट करी है सेकेंड हैंड थ्रू ऑनलाइन यू नो डीलर ऑनलाइन स्टोर फॉर $13,000. यहाँ पर ये कार ये $100 पर डे ड्राइवर रेंट आउट करते हैं तो डिसेंट यू नो बिजनेस मॉडल है. तो मतलब डेफिनेटली नॉट बैड. राइट. मतलब उसकी 13,000 की कार एक महीने में ही प्रोबली 2,000 उसको दे देती होगी. हाफ सीजन भी चला मतलब हाफ ईयर भी चला सीजन सीजन तो भी बहुत है. यू कैन रिकवर अ कॉस्ट इन अ ईयर विच इज ग्रेट. सही है. तो मतलब यहाँ पर जैसे यू नो यू लर्न रशियन बट डिड यू लर्न लाइक सॉरी यू लर्न जॉर्जियन डिड यू लर्न रशियन एज वेल. Little bit like hello, yes, or words that if someone communicates you can say no or Achha, yes da aur haan ke liye yes, that's it. Haan, but I guess mujhe lagta hai ki wo kafi because pura jo ye russia wala region hai wo russian speaking wo bhi kafi bada hai aur apne aap mein there are a lot of business opportunities if you know russians can be really helpful. yahan pe bhi jab russian tourists aate hain it'll be like kafi hai. yeah. तो ये मुझे बता रहे थे आज दिन क्वेश्चन की यार यहाँ पे ज्यादा आपके क्लाइंटेल कौन होते हैं. इंडियंस होते हैं कि मतलब बिकॉज रशियंस एंड टर्किश लोग यहाँ पे ज्यादा आते हैं. तो ही सेड कि यहाँ पर अरबिक भी बहुत आते हैं और अरबिक्स आर द मेजर क्लाइंटेल फॉर हिज इंडियन रेस्टोरेंट बेसिकली. अरबिक्स आर लाइक क्रेजी फॉर इंडियन फूड. हाँ वो सब अरब में मिलता है ना उनको पता है. सब जगह वहाँ पे इंडियन फूड मिलता है इंडियन लोग हैं एंड प्लस आई थिंक टेस्ट बड भी kind of similar kind of, है एंड कल्चरली मतलब काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड इन्फ्लुएंस रहा है तो दे अंडरस्टैंड द फूड दे लाइक इंडियन पीपल ऑल्सो आई वुड से अलॉट. मतलब मीन द रिलेशनशिप विद इंडियन पीपल यू नो दैट आई हैव सीन एंड गल्फ इज नॉट बैड. आई मीन या व्हेन दे इवन जब वे लोग रेस्टोरेंट में आते हैं दे हैव ड्यू रिस्पेक्ट फॉर इंडियन पीपल. इंडियंस के लिए बहुत रिस्पेक्ट है. सही है. तो मतलब यहाँ पे बातुमी में करने के लिए क्या है मतलब बीच इज प्रीटी मच मतलब one thing which is interesting or not interesting depending on the person. plus you know like I heard ki yahan pe night life bahut popular hai matlab that is what people basically tumki night life popular hai wo actually abhi covid ke time pe thodi kam ho rakhi hai lekin वैसे night life is good. acha okay cool. you can go to discos and clubs like that. acha and okay. drinking and everything it's good. तो आसपास में मतलब आई गेस ये वाइन प्रोड्यूसिंग वन ऑफ द वाइन प्रोड्यूसिंग रीजंस भी है ना यहाँ पर. yes. तो आसपास में कोई विनयार्ड्स है वाइन फार्म्स है कि जहाँ पे लोग जा सकते हैं देख सकते हैं कि यू नो पूरा वाइन मेकिंग प्रोसेस कैसे है. वाइन विनयार्ड्स वी हैव पोती करके एक जगह का नाम पोती है. पोती पी ओ टी आई पोती बोलते हैं. ओके. पोती करके एक जगह का नाम है. उसके रास्ते में ही एक्चुअली आप थोड़ा सा अगर तिबलिसी की साइड भी जाएंगे तो आपको रास्ते में काफी सारे वाइन यार्ड्स मिलेंगे. अच्छा ओके. तो दे हैव लाइक वाइन टेस्टिंग सेंसेस एंड एवरीथिंग लाइक दैट. तो आप एक्चुअली प्रोसेस देख सकते हो बनाने का वहां पर. मैं कभी गया नहीं. अच्छा बट यू हैव अ कार. नो.
अच्छा नॉट येट ओके कूल बट जैसे यू विल गेट डन विद योर से बैचलर्स हियर राइट इंडिया जाके तो आपको वही एमसीआई का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा टू बी एबल टू प्रैक्टिस या इवन गो फॉर द मास्टर्स देयर तो मतलब यहाँ पे आप अपना मास्टर्स कर सकते हो इजीली कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे मास्टर्स का एक्चुअली हम लोग सोच भी नहीं रहे करने का बिकॉज दे डोंट हैव मच अपॉर्चुनिटी फॉर मास्टर्स अच्छा अंडर ग्रेजुएट इज फाइन फॉर मास्टर्स इवन दीज पीपल गो टू अदर कंट्रीज लाइक यूएस और रशिया तो मतलब अगर यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं तो क्या एज फॉरनर्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए कोई लाइक अपॉर्चुनिटी है या अपॉर्चुनिटी तो इनकी सबसे बुरी चीज ये है कि अगर हमें प्रैक्टिस करनी है तो वी नीड टू राइट देयर एग्जाम इन देयर ओन लैंग्वेज लाइक इन जॉर्जियन वी हैव टू राइट बट देन आप तो कंफर्टेबल हो ना जॉर्जियन में जैसे मतलब अगर कोई कंफर्टेबल हो तो वो अलग चीज है अच्छा कल पहले तो वही बहुत चैलेंजिंग बहुत ज्यादा चैलेंजिंग चीज है बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जॉर्जियन लर्न करना कम्युनिकेशन के लिए वो ज्यादा लिखना बहुत मुश्किल है बिकॉज़ स्क्रिप्ट इज वेरी डिफिकल्ट वेरी डिफरेंट वेरी यूनिक स्क्रिप्ट इज द मेन प्रॉब्लम या अग्रीड तो फिर इसी में इट्स इजी अगर आपको सेटल होना है यू कैन सेटल अच्छा फॉर डॉक्टर्स इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी ओके तो लाइक हाउ मच वुड अ डॉक्टर स्पेशली विद जस्ट हूज लाइक फ्रेशर जस्ट आउट ऑफ एमबीबीएस हाउ मच वुड ही मेक हियर अगर खुद का अपना एक क्लिनिक खोल के बैठो तो यू विल गेट अराउंड 100 टू 200 लारीज पर डे इफ यू आर जस्ट मतलब दिस इज मोर लाइक 6000 लारी पर मंथ व्हिच इज वेरी गुड हियर मतलब यहां पे अभी यू नो मैं बात कर रहा था एंड पहले भी मैंने यू नो बताया कि यहाँ पे सैलरीज उतने हाई नहीं है मतलब 300-500 यू नो लाइक लोअर लेवल जॉब्स के लिए मिल जाते हैं क्लर्क वगैरह यू नो कैशियर्स एंड ऑल दैट एंड इवन इफ यू आर अ मैनेजर इन यू नो प्राइवेट सेमी प्राइवेट और प्राइवेट यू नो पब्लिक फर्म तो मे बी 1000-2000 के बीच में डिपेंडिंग ऑन द प्रोफेशन एंड योर क्वालिफिकेशन एंड द कंपनी राइट तो इतना ज्यादा नहीं है तो 6000 वो भी स्टार्टिंग डॉक्टर्स के लिए तो काफी अच्छा है जो अगर जैसे मान लो हॉस्पिटल में प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं उनके लिए यहाँ पे बेसिकली जो है डॉक्टर्स वो एमडी होल्डर्स हैं यहाँ पे जूनियर्स जो हैं इवन वो भी जो हॉस्पिटल में लगते हैं वो सारे पोस्ट ग्रेजुएटेड वो इंडिया जैसे ही है फिर मतलब अंडर ग्रेजुएशन को इतनी वो यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती इंडिया की तरह ओके ओके बट देन उनकी सैलरी फिर भी स्टार्टिंग सैलरी पोस्ट एमडी क्या होगी पोस्ट एमडी इट इज सम अबाउट लाइक 10 to 15 per month lari 1000 laris 10 to 15000 lari per month yes to wo to ek grand awesome matlab okay that's good that's really good and what about say engineers like और इंजीनियर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ मैं खुद इंजीनियर हूँ मतलब मैंने यहाँ पे इंजीनियर्स का देखा ही नहीं है एक्चुअली अच्छा अच्छा आपको आइडिया नहीं होगा बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इंजीनियर्स का डॉक्टर्स का ये हमारे टीचर्स हैं वो जाते हैं सही बात है बिल्कुल 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 आइडिया वैसे भी बेहतर होता ही है डेफिनेटली नीलांश आप जॉर्जियन भी बोल लेते हो है ना 3 साल हो ही गए आपको यहाँ पर और अभी कम से कम 3 साल तो हो ही आप हाँ मतलब बिल्कुल मैं यही पूछने वाला हूँ कि आगे का इरादा क्या मतलब यहीं पे सेटल होने वाले हो क्या करने वाले एक्चुअली सेटल होने का अभी ऐसे कुछ प्लान नहीं है क्योंकि इंडिया जाना है वापस फैमिली इंडिया में है तो इंडिया वापस जाना ही है बट मतलब जा तो जॉर्जियन लड़की के साथ भी शादी करके जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं हो मना थोड़ी कर देगी एंड आई गेस यू हैव अ पार्ट ऑफ योर फैमिली हियर इन जॉर्जिया एज़ वेल राइट यू मेंशनड यू हैव सम रिलेटिव्स और समथिंग आई हैव सम फादर फ्रेंड्स या सो योर फादर्स फ्रेंड इज मैरिड टू जॉर्जियन सही फिर तो मतलब और भी ऑल द मोर इजी है फिर तो फैमिली फिर तो इंट्रोडक्शंस भी वेरी वेरी इजी है बट मेन प्रॉब्लम है कल्चर डिफरेंस एंड लैंग्वेज डिफरेंस नो एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू अगर उसको लैंग्वेज समझ में आ जाए वो सीख ले प्लस आई थिंक वो हाउ इनक्लाइन लाइक यू मेड दैट एफर्ट टू लर्न द लैंग्वेज एंड द कल्चर एंड हाउ मच दैट शी मेक्स दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस दैट मेक्स द डिफरेंस नो एब्सोल्युटली इंडिया में यू नो इट ओ या वेरी डिफिकल्ट स्पेशली आई थिंक फॉर अ मिक्स्ड रेस कपल टू लिव इन इंडिया इज वेरी डिफिकल्ट नॉट इजी एट ऑल या सही है तो मतलब आगे यू वांट टू गो टू यूएस टू स्टडी और
फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर कंप्लीटिंग माय एमबीबीएस आई विल बी अप्लाइंग फॉर पीजी इन द यूएस एंड एज वेल एज इन अदर यूरोपियन कंट्रीज. ओके ओके cool. So your preference would be more for the US, I believe, yeah. than the European countries. So how does that process work? Why, जैसे India से होता है आप USMLE वगैरह दो and same. Okay, same. That's the same process. But you said कि with the Georgian degree, sort of it's easier. It's sort of easier for to go in the Europe as it is recognized everywhere. Correct. So got it. चलो हमारा खाना आ गया. अब मैं खाना try करके बताता हूँ कैसा है. सैलेड रायता ऑर्डर किया, ये मिक्स वेज ऑर्डर किया और रोटी है उसके साथ. मस्त मज़ा आ गया खाना खा के, बहुत अच्छा है, एकदम घर जैसी रोटी है और सब्जी भी, बस मज़ा आ गया. मैं अब मेन सिटी सेंटर की तरफ वॉक कर रहा हूँ एंड जो रेस्टोरेंट था उसका एड्रेस है 28 स्ट्रीट, मैं नीचे लिख दूँगा. तो वो अगर आप चाहें इंडियन खाना खाना, आई थिंक और भी रेस्टोरेंट होंगे फॉर श्योर, अगर यहाँ जाना चाहें आप जा सकते हैं. तो दैट्स वन प्लेस दैट आई हैव सीन. अगर मेरे को और भी जगह मिलेगी मैं ज़रूर दिखाऊंगा इंडियन खाने के लिए, स्पेशली वेजिटेरियन लोगों के लिए. आई थिंक इंडिया से आ रहे हो तो प्रीटी मच वही ऑप्शन रह जाता है कि इंडियन खाना खाएं, बिकॉज जॉर्जियन खाने में आपको अगेन बहुत कम वैरायटी मिलेगी, सैलड ही है प्रीटी मच जो आप खा सकते हो अदरवाइज. तो इंडियन खाना वहाँ पे भी काफ़ी है, तबिलिसी में भी बहुत रेस्टोरेंट हैं, आई एम श्योर यहाँ पे भी होंगे गिवन इंडियन स्टूडेंट पॉपुलेशन है तो ऑफकोर्स बनता है. एंड टूरिस्ट भी बहुत, बिकॉज यू नो काफ़ी सारा ट्रैफिक यहाँ पे मिडल ईस्ट से, एंड मिडल ईस्ट में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं तो बहुत सारे इंडियन लोग भी यहाँ पर डेफिनेटली आते होंगे अलॉन्ग विद द अरबिक्स टू हॉलीडे. तो इंडियन रेस्टोरेंट आई एम श्योर बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर होंगे, तो दैट्स अ गुड थिंग फॉर इंडियन ट्रैवलर्स इन जनरल. ना यहाँ पे डेफिनेटली ज़्यादा एक्सपेंसिव है पीडीसी से, पर आप आराम से आई थिंक 12 से 15 लारी में एक मील मैनेज कर सकते हैं. तबिलिसी में करीब 7-8 में आपका काम हो जाना चाहिए, अच्छा मील, गुड क्वालिटी, वेरी गुड क्वांटिटी एंड एवरीथिंग. ओहो, इतनी सारी बातें तो खाने के बारे में ही हो गई, पर यहाँ घूमने तो हम बातुमी के बीच पे आए थे ना, तो अगले एपिसोड में मिलते हैं बातुमी के बीच पे.